गुरुग्राम के देवीलाल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होली की रात को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मस्जिद के बाहर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर जब लोग घर से बाहर निकले तो आरोपी फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार ने अपनी गाड़ी को रोका और उसमें से दो युवक उतरकर आए और मस्जिद का गेट खुलवाने का प्रयास करने लगे। इस पर जब वहां बैठे लोगों ने मस्जिद का गेट सुबह खुलने की बात कही तो वे भड़क गए और देखते ही देखते गोली चला दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। गाड़ी आई इधर से काली स्कॉर्पियो जिसका नंबर है HR26DJ 0719। आए वो एक पड़ोसी के घर पे चढ़ाई थल्ली पे, अब हम बैठे थे, वो गाड़ी चढ़ने रही थी। वो कह रहे हैं भाई बैठे बैठे देखो पत्थर क्यों नहीं हटा रहा है। मैंने भाई पत्थर नहीं है, थल्ली है ये बनी हुई। तो उसने फिर भी अपना बैक करके फिर भी चढ़ा दी ऊपर से। वो पड़ोसी जिसके थल्ली पे चढ़ी, देखो भाई तोड़ दी, देखो भाई नीचे आ जा बनवा देंगे इसको। उसके बाद में वो गाड़ी खड़ी करके, मैंने कहा कुछ ना हो, मैंने तोड़ता जी ना, मैंने कुछ बात ना हो। वो गाड़ी खड़ी करके फिर वो दोनों जाने लग गए मस्जिद के गेट पे। मस्जिद का गेट बंद था, वो हिलाने लग गए। हमने पूछा भाई किससे मिलना बता दो सही, मैं जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमसे बता। देखो भाई दर्शन करने भगवान के, मैंने कहा भाई अब दर्शन नहीं होने के। मैंने कहा दर्शन दिन में आ जाइए, मैंने कहा बंद हो गया अंदर से लिट गए। मैंने कहा हमें उठना पड़ता सवेरे, मैंने कहा अब नहीं खुलेगा गेट। देखो भाई ये तो बात गलत हैगी, मैंने कहा गलत ना आएगी, मैंने कहा अब सो गए हम, गेट नहीं खुला गएगी। देखो भाई हमारे तो खुले पड़े रहे हैं, मैंने कहा भाई ये भी तेरा है वो भी तेरा ही है। उसके बाद में फिर वो अपना हट गया पीछे। फिर वो कहने लगा किसके मारो गोली, तो दूसरा कहने लगा चलो छोड़ कोई बात ना। वो दो जो मेरे साथ में तो बेचारा आगे आगे हो गए साइड में, वो मेरे साथ कंधे पर रख के हाथ, यूं अंकल बस ऐसे आया फिर से कितनी देर में फायर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की माने तो सीसीटीवी कैमरा में स्कॉर्पियो गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है जो कुछ देर के लिए गेट के पास रुकी है। वहीं मौके पर से गोली का खोल भी बरामद हुआ है। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। भाई जैसी अब ये कंप्लेंट देंगे उसके हिसाब से जो सुनने में आया वो दो लड़के आए स्कॉर्पियो में यहाँ फायर करके हैं, बाकी जैसी ये कंप्लेंट देंगे उस पर कार्रवाई वैसी हो जाएगी, लीगल एक्शन होगा। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर मिला है? अभी दिया नहीं है, ले लेंगे सारी चीज मिल जाएगी। फायरिंग कितनी हुई है? एक बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे कुछ दिन पहले मस्जिद के पास एक घर पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया था, लेकिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों पर अंकुश लगाना पुलिस के नियंत्रण से बाहर होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।